गया जिला परिषद सभागार भवन में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के तत्वाधान में विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदा लेने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरुडारू योगेंद्र पासवान तथा वर्तमान पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदीप राम, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर अनुमंडल गया अतुल कुमार आर्य को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव अवय कुमार ने कहा कि वे संगठन के लोग मान सम्मान बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बहुत जल्द ही संगठन का विस्तार पंचायत स्तर पर किया जाएगा। जिला प्रवक्ता डॉक्टर विनोद कुमार ने सभी पदाधिकारी को ईमानदारी से कार्य करने की सलाह दी। मंच का संचालक प्रधानाध्यापक अशोक पासवान ने किया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक अरविंद प्रसाद, प्रधानाध्यापक उमेश प्रसाद, केदार चौधरी, उमेश रजक, संजय सुमन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। वीडियो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जनजाति कर्मचारी संघ के तहत जिला में वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम जी और पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ पदस्थापित थे रंजीत पासवान जी जो यहाँ से शेखपुरा चले गए, हम लोग एक साथ सबों को विदाई और सम्मान कार्यक्रम तय किए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रखंड के हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी जो जिले में आए हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। आमस के प्रखंड विकास पदाधिकारी अतुल कुमार आर्य जी और जो बहुत जो यहाँ से जो गए हैं उनका भी आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं। बस यही कहना है कि जो भी पदाधिकारी आते हैं उनसे हम लोगों को गुजारिश है, उन लोगों से हमारा ये कहना है कि आप ईमानदारी पूर्वक जिले में काम करें ताकि जो लोग आपको सम्मानित करते हैं वो उनका हमेशा हौसला बुलंद रहे। इसलिए सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप ईमानदारी पूर्वक जिले में काम करेंगे और यहाँ से जो भी पदाधिकारी गए हैं उनको मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहेंगे कि वो जिस जिले में जाएं वहाँ भी अपने समाज अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक मदद पहुँचाएँ, अधिक से अधिक काम करें, तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। इसलिए तमाम पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि अपने समाज को शिक्षित बनाने के लिए जोरदार ढंग से पहल करेंगे ताकि हमारा संपूर्ण भारत एक विकसित भारत, एक शिक्षित भारत बन सके। जिला प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी आज संवाद हमारे बीच जो नए पदस्थापित हैं मैं उनका स्वागत करूंगा और मैं खुद अपने इस नए जिले में आया हूं और जो हमारे साथी जो यहां से विदा होकर दूसरे जिले में पदस्थापित हैं उनके लिए भी शुभकामना है क्योंकि उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए उसको और हम लोग बढ़ाएंगे कार्य को और जितने नए साथी आए हैं सभी लोग आपसी तालमेल काम करेंगे और यही हमारी शुभकामना रहेगा जाने वाले साथी के लिए भी कि जहाँ जाए और अपनी कामयाबी को ऊंचाइयों पर तक पहुँचाए और उस जिले का नाम को रोशन करें, यही हमारी शुभकामना। सर कोविड में सेशन पीछे चल रहा है, ऑनलाइन प्रभावित हो रही है, बच्चों को करने में बहुत बच्चों में हम लोग का है सरकार के द्वारा मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत है कि टीवी के माध्यम से भी बच्चे को क्लास हो रहा है उसके माध्यम और ऑनलाइन भी क्लास चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ से हाई स्कूल का जो नया गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है और दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग बच्चों को कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा 11वीं 12वीं की क्लास खुल चुका है, हो सकता है कि आगे क्या सरकार के प्लान उसके अनुसार हम लोग। मैं राजदेव राम जिला शिक्षा पदाधिकारी 3 जुलाई नया पद।